तो राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। राजस्थान डीजीपी को राजभवन तलब किया गया है, तो इस बाबत उन्हें तलब किया गया है। जिस तरह से दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दी गई है, उसके बाद तलब यहां पर उन्हें किया गया है। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई। चार गोलियां हमलावरों की तरफ से उन पर दागी गई। राजस्थान डीजीपी को राजभवन अब इस बाबत तलब किया गया है। हालांकि पुलिस की विशेष टीम इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर में पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसके आधार पर जांच आगे की जारी है। गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से जिम्मेदारी इस हत्याकांड को ले ली गई है। ये वही गैंगस्टर रोहित गोदारा है जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है, जो कि विदेश में बैठकर अपना काला कारोबार, अपहरण और ये तमाम जो गैंगस्टर से जुड़े काला कारोबार होता है वो यहाँ पर चलाता है। भवानी हमारे साथ मौजूद है। भवानी, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, बातचीत यहाँ पर आपकी हो रही है, एक बार फिर से चाहेंगे आप बातचीत करें, क्योंकि काफी कुछ वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि सुरक्षा की मांग सुखदेव सिंह लगातार कर रहे थे, और इसके अलावा उन्हें इस बात की पूरी आशंका थी कि कोई बड़ा हमला उन पर हो सकता है। देखिए बिल्कुल, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं समाज के लोग हैं, बाकी उनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या सरकार की एक अभी जो कहा जा रहा पोस्ट आई कि रोहित गोदारा ने हत्या की, आपको क्या लगता है? मैं एक ही कह रहा हूँ कि इन लोगों को तो फेमस होने का एक भूत चढ़ा हुआ है। कहीं कोई भी हत्या हो जाती है, अपने आप जिम्मेदारी ले लेते हैं, परंतु इसके पीछे राजस्थान के लोक नेताओं का हाथ है, जिन लोगों की जातिवाद के नाम पर दुकान चल रही थी। देखिए आक्रोश लगातार यहाँ पर कर्णी सेना के जो कार्यकर्ता हैं उनके भीतर जरूर दिख रहा है। भवानी के पास भी हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच कर्णी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज जी, इस पूरे वाक्य को, इस पूरे हत्याकांड को आप पहले तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो कर्णी सेना के कार्यकर्ता हैं हमारे वहां पर जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, किस तरीके की ये साजिशाना हरकत है? देखिएगा, ये कायराना हरकत है, नीच हरकत है, घिनौना अपराध है। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो मेरे मित्र थे, आज उनके घर में घुसकर जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या की है, मैंने इतना बड़ा जघन्य अपराध अपने इस अब तक के जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ अशोक गहलोत के ऊपर। अशोक गहलोत से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने 3-4 साल पहले सुरक्षा की मांग की थी, लगातार मांग की थी, राजस्थान पुलिस के डीजीपी से मांग की थी, और उनको बीच में 1-2 दिन के लिए सुरक्षा दी और फिर वो हटा ली गई। अशोक गहलोत, अब तो सरकार उनकी जा चुकी है, परंतु मुझे बता दें कि सुरक्षा किसके कहने से हटाई गई, क्या प्रेशर था उनके ऊपर, बता दें मुझे वो। एक व्यक्ति, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी हत्या कर रहे हो आप और उसको ऐसे करके मारेंगे आप, इस प्रकार से उसको गोलियों से उसके घर में भुनवा देंगे, क्योंकि अभी इनको मालूम है ये पॉलिटिकल हत्या भी मैं इसको भुनूंगा। लॉरेंस विश्नोई गैंग ने जो लिया है, इसी लॉरेंस विश्नोई गैंग के खिलाफ सूरज जी, हाल ही में देखिए चुनाव भी संपन्न हुए हैं राजस्थान में, तो क्या आप इसको चुनावी षड्यंत्र भी मान रहे हैं इस पूरे हत्याकांड? मैं निश्चित तौर पे इसलिए मान रहा हूं कि जिस प्रकार से जो ये हुआ है, क्योंकि सरकार अभी राजस्थान में अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से वो दिया है, इस्तीफा दिया है राज्यपाल को, परंतु अभी वर्तमान में भी वो मुख्यमंत्री हैं, वही अशोक गहलोत से, वही इन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने इनसे मदद मांगी थी, सुरक्षा की गुहार लगाई थी। एक मुख्यमंत्री से, एक प्रदेश का नागरिक, एक सामाजिक संस्था का अध्यक्ष आपसे मदद मांग रहा है, सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, और आप सुरक्षा देने की बजाय आप उनको नकार रहे हो, ये इससे बड़ा और अपराध क्या होगा? सूरजपाल, तो मुझे हमारी कई बीजेपी नेताओं के साथ में बातचीत हुई है, अब उनका साफ तौर पर कहना है कि अब सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है, अब जनता का विश्वास हमारे साथ में है, एक एक गैंगस्टर को चुन चुन कर बिल से बाहर निकाला जाएगा, बातचीत हमने यहाँ पर की है। आपको लगता है कि वाकई अब जो सरकार आएगी वो विश्वास आपको क्या कायम होता हुआ नजर आता है? देखिएगा, मैं इस पे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से पहले इतना ही कहूंगा कि मैं तो सीधा सीधा जिन लोगों की सरकार थी और जिन लोगों से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने अपनी सुरक्षा की मांग की, उन लोगों ने सुरक्षा नहीं दी, इस कारण सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को उनके घर में घुसकर मार दिया गया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, वसुंधरा राजे से और अनेकों अनेक भाजपा के नेताओं के साथ सामाजिक विषयों पर चर्चा करते थे, और राजपूत समाज के लिए वो अनेकों अनेक मांग समाज के भले के लिए मांगा करते मनवाया करते थे। आज उस व्यक्ति को आप लोगों ने
सुरक्षा देने की बजाय आज उसको, आज उसकी हालत ये कर दी कि आज मतलब उसको और उसके परिवार को अपनी जान से, उसके मित्रों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और फिर सरेआम आके एक गैंगस्टर बोलता है गुजारा कि हम हत्या की धमकी की वो जिम्मेदारी लेते हैं, हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। ये फेलियर है। सरकार पॉलिटिकल सरकारें आती है चली जाती है, परंतु प्रशासनिक लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि आप से कोई व्यक्ति, कोई नागरिक आपसे सुरक्षा मांग रहा है और सुरक्षा देने की बजाय आप उसको नकार रहे हो। करनी सेना एक इतना बड़ा संगठन है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इतना बड़ा संगठन है और आप उसके अध्यक्ष को नकार रहे हैं, इससे बड़ा और क्या। सूरजपाल अम्मू जी, पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी यहाँ पर रोहित गोदारा की ओर से ली गई है, तो क्या सुखदेव सिंह जी के कोई संबंध उनके साथ थे, क्या वो जानते थे, क्योंकि एक गैंगस्टर ने इसकी जिम्मेदारी ली है, बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको एक विषय बता दूं, करीब 3-4 साल पहले तिरंगा झंडा यात्रा लाल चौक पर लेकर जाने का निर्णय हुआ था। मैं उस तिरंगा यात्रा की शुरुआत में जयपुर के अंदर था। जब सुखदेव सिंह गोगा मेडी उस तिरंगा यात्रा को लेकर यहाँ से कश्मीर के लिए रवाना हुए थे, तो रास्ते में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया था, परंतु सुखदेव सिंह गोगामेडी बड़ा दिलेर व्यक्ति था और ये उस समय लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए गए। वहाँ पर जाकर लाल चौक पर झंडा उन्होंने फहराने का प्रयास किया और झंडा फहरा कर भी आए। राज शेखावत मेरे मित्र हैं, गुजरात से उनके साथ थे, परंतु उस दौरान इनको धमकी दी गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। तो ये उस समय से ही लगातार अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से प्रयासरत थे, डीजीपी राजस्थान पुलिस से और गहलोत सरकार से। मैं आपको बता रहा हूं कि ये आज का मसला नहीं है, ये मसला ये है कि इनको जानबूझकर सुरक्षा नहीं दी गई। कारण के सुखदेव सिंह गोगामेडी क्षत्रिय समाज का एक बड़ा नेता था, बड़ा नाम था। आज इन सबको मालूम था कि ये कहीं भी सरकार को किसी को भी हिलाने की ताकत रखता है। आज उसको इन लोगों ने पॉलिटिकल हत्या उसकी करा दी। गैंगस्टर्स तो धमकी पहले भी दे रहे थे, परंतु ये पॉलिटिकल हत्या भी है। अशोक गहलोत के ऊपर मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ और कह रहा हूँ, अशोक गहलोत कैमरे पे हैं आपके चैनल पर, और बताएं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा क्यों नहीं दी और किन के कहने से सुरक्षा वापस ली, 2 दिन के लिए सुरक्षा देकर आपने वापस ले ली, क्या कारण है। सूरजपाल अम्मू जी, यानी आप साफ शब्दों में ये कहते हैं, ये साफ शब्दों में आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार की तरफ से जिस सुरक्षा की मांग यहाँ पर की गई थी, जिस सुरक्षा की उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी गोगामेडी जी के जरिए, वो उन्हें नहीं मिली, जिसकी वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर कह रहा हूँ। पुलिस का जो चौकी है, पुलिस चौकी जो है 500 मीटर की दूरी है श्याम नगर में इनके घर से, और 2 आदमी आते हैं उनके साथ बैठते हैं, सरेआम उनको गोली मारते हैं और चेक करते हैं जिंदा है मरा है। ऐसा जघन्य अपराध है, मुझे कहने में, मैं सच बताऊं मेरा मन आज बहुत व्यथित है, क्योंकि आपके चैनल का बार बार, क्योंकि मैं आपके चैनल का एक पार्ट हूं, मैंने बहुत आपके चैनल पर शो किए हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने आपके चैनल पर अगर अपनी व्यथा रखूं, अपना दर्द रखूं। बहुत निर्मम हत्या की गई, ऐसा बड़ा अपराध मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में नहीं देखा। ये हत्या, ये तो निर्मम हत्या है, ये बस मैं कहना नहीं चाहते, गलत है। किसी बहन का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया, ये क्या है, ऐसे होता है क्या? प्रशासन कहाँ चला गया, प्रशासन कहाँ सो रहा था? सरकारें अदली बदली होंगी, परंतु एक व्यक्ति को घर के अंदर सरेआम ऐसे भूनोगे, आप ऐसे मारोगे। सूरजपाल अम्मू जी, अब क्योंकि सरकार वहां पर बदल गई है, अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार से आप किस तरीके की कार्रवाई की अब उम्मीद कर रहे हैं, हत्याकांड का किस तरीके से पर्दाफाश हो? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूं हरियाणा का, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सरकार बदली है, निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर गुंडे तत्वों को जवाब देना चाहिए, गुंडे तत्वों को, गुंडागर्दी को राजस्थान से समाप्त करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। नरेंद्र भाई मोदी की गारंटी है गुंडागर्दी, बेटियों की सुरक्षा और गुंडागर्दी को समाप्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी की जो भी सरकार यहाँ पर, जो भी मुख्यमंत्री होंगे, बनेंगे और करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरजपाल अम्मू जी हमसे बातचीत करने के लिए, और इस वक्त जाहिर सी बात है आपकी आंखें नम हैं, क्योंकि आप निजी तौर पर भी उन्हें यहाँ पर जानते थे और जिनके बेहद करीब रहते हैं, तो ऐसे में जो निर्मम हत्या यहाँ पर आप भी कह रहे हैं, दिन दहाड़े जो हत्या यहाँ पर की गई है, फिलहाल एक्शन मोड पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है, विशेष टीमें गठित की गई है, जयपुर में नाकेबंदी की गई है, ये अपडेट आप तक हम पहुँचा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, गैंगस्टर रोहित गोदारा का वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी सामने आ गया जिसमें उसने हत्याकांड की जिम्मेदारी ये भी यहाँ पर ले। हमारे